हेलो बच्चों, आज हम असेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर जो सेशन 2022 से 23 का है उसमें आए हुए हैं। दो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20 है। दोनों क्वेश्चन मैं आपको बढ़िया से समझाने वाला हूं। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो एग्जाम में पक्का से क्वेश्चन को सोल्व करके आओगे, ठीक है। तो भैया इनमें होता क्या है समझिएगा ध्यान से एक एक चीज को। सबसे पहले आपको ये कुछ लिखा मिलेगा, चार ऑप्शन मिलेंगे, फिर क्वेश्चन मिलेगा ना, थोड़ा सा ऊपर लिखा मिलेगा। ये बताएंगे आपको भाई असेशन को हम ए से बोल रहे हैं और रीजन को हम आर से बोल, इस टाइप से है। और फिर आपको चार ऑप्शन मिल रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके आंसर आपको देने हैं। चार ऑप्शन में से कौन सा बैठेगा तो मैं पढ़ देता हूं एक बार अच्छे से पूरा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असेशन ए इज फॉलोड बाई ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर। ये कह रहा है कि असेशन को ए से बोलेंगे हम और स्टेटमेंट आर रीजन जो है ना, सॉरी असेशन को ए से बोलेंगे और रीजन को हम आर से बोलेंगे, इतना कह रहा है इसमें, ठीक है। और बोल रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। आप चूज करना करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा होगा जब क्वेश्चन आप सोल्व कर लो अच्छे से। बोलता है ए ऑप्शन बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी में बोला है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी में बोला है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और डी में बोला है कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो भैया इनमें से ऑप्शन सेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है, असेशन लिख रखा है ए के नाम से और रीजन लिख रखा है आर के नाम से, शुरू में भी बोला था इन्होंने। अब हम इसको सोल्व करते देखते हैं कि ए ट्रू है या फॉल्स है, आर ट्रू है या फॉल्स है, फिर हम यहां पे ऑप्शन को सेट करेंगे। तो पहले ये देखते हैं ए ट्रू है या फॉल्स है, आर ट्रू है या फॉल्स है, ये दोनों चीज देखनी पड़ेगी सबसे पहले आपको। तो मैं आपको बता दूं यहां पे बोला गया है कि सीकेंट इनवर्स 2 की द डोमेन ऑफ द फंक्शन सीकेंट इनवर्स 2x इज। ये कहते हैं सीकेंट इनवर्स 2x की जो डोमेन है वो ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है। तो इसको देखते हैं ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं आपको बता दूं सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, फिर हम सीकेंट इनवर्स 2x पे आएंगे ताकि हम सीकेंट इनवर्स x का ग्राफ बना के उसके डोमेन का पता कर सके। भैया आपको अच्छे से पता होगा कि आपका कोस इनवर्स का ग्राफ में फे बनता है, फे फोर फल इस टाइप का ये बनता है, ठीक है। और ये आपका -1 होता है, ये आपका 1 होता है, और यहां पे आपका आपको पता होगा पाई होता है, ये आपका पाई बाई 2 होता है। ये किसका ग्राफ बनता है, कोस इनवर्स एक्स का। मैं सीकेंट इनवर्स का बताने जा रहा हूं। तो सीकेंट इनवर्स का ग्राफ बनाने के लिए यहां पे आपको थोड़ी सी बनावट बनानी पड़ेगी, आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। और इधर आपको ये काम करना पड़ेगा और आपको बीच का ग्राफ मिटा देना है जो कोस इनवर्स का था। जी सर, ये आपको मिटा देना है। तो इससे आपको सीकेंट इनवर्स का ग्राफ ध्यान रहेगा और सीकेंट इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर आपको पता है तो उसकी डोमेन भी आप बता सकते हो, जिसकी डोमेन क्या हुई सीकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन है ना, डोमेन ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स क्या है, -1 से इंफिनिटी। डोमेन कैसे निकालते हैं, अगर ग्राफ पता हो तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन डालो, अगर वो जहां से जहां तक ग्राफ को कट करते हो सब डोमेन है ना। माइनस इंफिनिटी से कट करना स्टार्ट किया है, -1 तक किया, 1 से कट करना स्टार्ट किया, इंफिनिटी तक किया, तो डोमेन में मैंने वो ही लिया है जहां पे ग्राफ कट हो रहा है वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डालने पे, ये आपको भी पता होगा। और बेटा मैं आपको बता दूं, नहीं भी पता, ग्राफिकल नॉलेज नहीं है तो सीधा भी मेरे हिसाब से आपको डोमेन सीकेंट इनवर्स एक्स का याद है, क्योंकि जो आपका सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसमें टेबल है, टेबल में सीकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है आपको पता होगा, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये तो सीकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन हुई सर, यहां पे बात सीकेंट इनवर्स 2x की डोमेन की हो रही है तो बिल्कुल बताएंगे 100% सीकेंट इनवर्स 2x की डोमेन भी बताएंगे। तो ध्यान से देखो सीकेंट इनवर्स एक्स की डोमेन माइनस इंफिनिटी से -1 है, यूनियन 1 से इंफिनिटी है, तो सीकेंट इनवर्स 2x की डोमेन क्या होगी, देखो सीकेंट इनवर्स 2x की डोमेन क्या होगी वो देखते हैं। तो सीकेंट इनवर्स 2x की डोमेन अगर हमें निकालनी है
तो हमें कुछ भी नहीं करना है ना, कुछ भी नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे माइनस वन रख रहे हो तो काम स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे वन रख रहे हो तो यहाँ पे आउटपुट आने स्टार्ट हुए। ध्यान से देखिएगा जो बात मैं बताऊंगा, समझिएगा। माइनस वन रखने पे काम स्टार्ट होता है, मतलब आउटपुट देता है, और वन रखने पे आउटपुट देता है, वन से ज्यादा रखने पे आउटपुट देता है, माइनस वन से कम रखने पे आउटपुट देता है। इसका मतलब ये होता है डोमेन का। तो सेकेंड इनवर्स टू एक्स में सोचिए कि मैं क्या रखूं ताकि आउटपुट मिलने स्टार्ट हो वहां से, है ना, वहां से आउटपुट मिलने स्टार्ट हो। तो देखो, अगर आप माइनस हाफ रखते हो, है ना, इसी को चेक कर लेंगे सीधा ही, पता चल जाएगा। माइनस हाफ रखते हो तो अंदर ये माइनस वन बनता है। देखिए बेटा, ये सीकेंट इनवर्स टू एक्स जो है, तो टू एक्स की जगह माइनस हाफ रखते हो तो सीकेंट इनवर्स माइनस वन बनता है। इसका मतलब माइनस वन तो सीकेंट इनवर्स को पसंद है, जी सर। तो इसका मतलब माइनस वन बाई टू इसकी डोमेन में आएगा, सीकेंट इनवर्स टू एक्स की डोमेन में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इनपुट मिलने पर आउटपुट दे तो वो ही डोमेन मानी जाती है, इनपुट मिलने पर आउटपुट ना दे वो डोमेन नहीं मानी जाती। तो मतलब ये बात सही है एकदम। ऐसे ही आप इधर के रखोगे तो बात बन जाएगी आराम से, आपको दिख गया। आप लास्ट पॉइंट चेक कर रहे हो, है ना, लास्ट पॉइंट चेक कर रहे हो। अब इधर से आप फर्स्ट पॉइंट चेक कर रहे हो तो सीकेंट इनवर्स टू तो आपका ऐसे कैसे, एक्स की जगह हाफ लगा दो तो यहाँ पे सीकेंट इनवर्स वन मिला। इसका मतलब आउटपुट देगा सीकेंट इनवर्स वन पे, तो आउटपुट देगा, यानी सीकेंट इनवर्स एक्स से सीख रखा है, अगर इसके अंदर वन आता है तो आउटपुट देगा। तो देखो आउटपुट देगा क्योंकि सीकेंट इनवर्स वन बन चुका, आउटपुट देगा, तो मतलब कि वन बाई टू भी इसकी डोमेन में है, और वन बाई टू से ज्यादा तो होने ही सीधी सी बात है। मैंने इसमें लास्ट चेक किया, इसमें फर्स्ट चेक किया, तो डोमेन में है, इधर वाले भी डोमेन में होंगे वन बाई टू से, उधर वाले भी डोमेन में होंगे। तो ये हम अच्छे से चेक कर चुके हैं कि जो आपका ए है वो ट्रू है। आप लिख सकते हो बेटा ए इज ट्रू। यहां से क्या कंक्लूजन निकला फाइनल, ए इज ट्रू, ए हमारा सर ट्रू है एकदम, ठीक है, यस। तो जो मैंने बताया वैसे सोचो चीजों को, ठीक है, आराम से समझ में आएगा। आ जाओ भाई रीजन पे, आ जाओ आर पे, और आ जाओ। ये कह रहा है कि सीकेंट इनवर्स माइनस टू माइनस पाई बाई फोर होता है। तो भैया मैं सोल्व कर देता हूं एक बार अच्छे से। आपको पता होगा बेटा सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स होता है। आपको अच्छे से मालूम होगा, जी सर बिल्कुल अच्छे से मालूम है। तो मैं इसको सोल्व करता हूं, सीकेंट इनवर्स माइनस टू को मैं पाई माइनस सीकेंट इनवर्स टू लिख सकता हूं, बिल्कुल राइट सर, एकदम सही बात है। बेटा अगर आप इसको और सोल्व करना चाहो तो ये पाई माइनस सीकेंट इनवर्स टू, है ना, सीकेंट इनवर्स टू कौन सा एंगल होगा, जहां पे कोस वन बाई टू होता है, और कोस वन बाई टू कहां होता है पाई बाई थ्री पे, कोस वन बाई टू कहां होता है पाई बाई थ्री पे, मतलब यहां पे पाई बाई थ्री आएगा। और ये सोल्व करके कितना आ गया, टू पाई बाई थ्री। ये मामला सोल्व करके कितना आया, 2 पाई बाई थ्री, जो माइनस पाई बाई फोर के बराबर तो नहीं आया, जो माइनस पाई बाई फोर के बराबर तो नहीं आया। तो बेटा यहां पे आप क्या बोलोगे, R is false। तो सीधा सीधा क्वेश्चन देखो, कितना आसान क्वेश्चन, समझिएगा बेटा, R is false, A is true, चेक करो कौन से ऑप्शन में, A is true but R is false, ऑप्शन C में है, ऑप्शन C बेटा यहां पे सही होगा, ऑप्शन C बेटा यहां पे सही होगा। कुछ भी नहीं इन क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोल्व। कई बच्चे घबरा जाते हैं, पता नहीं एसएसएन रीजन बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते, कुछ भी नहीं, देखो मैंने समझा दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया आपको अच्छे से कि भैया ये कैसे सोल्व होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बेटा सही होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 20 और लेते हैं, जिससे आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, वो भी एसएसएन रीजन बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन नंबर 20 और आ जाएगा तो आप असेसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पेपर में अच्छे से लगा सकते हो। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे भी दो चीज दी गई, असेसन दिया गया है, रीजन दिया गया है, ए से असेसन है, रीजन आर से है। आप समझ गए होंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं बेटा। तो मैं पहले इसको देखता हूं कि ट्रू है या नहीं, ए ट्रू है या नहीं ये देखता हूं, फिर मैं आर देखता हूं ट्रू है या नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमेशा आपको ये चेक करना है बेटा, ए ट्रू है या नहीं ये चेक करो, आर ट्रू है ये चेक करो। सबसे पहले ये काम क्या करो, इनकी तरफ देखो ही मत, ए बी सी डी ऑप्शन की तरफ, क्लियर है, जी सर। तो भैया यहाँ पे बात ये है कि द अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, लाइन की इक्वेशन दी गई है 3D की, एंड द एक्स एक्सिस इज पाई बाई फोर।
तो भैया ये तो लाइन की इक्वेशन सही है, पर एक्स एक्सिस की इक्वेशन आपको निकालनी पड़ेगी 3D में। तो मैं बता दूं एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी। मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या है बेटा एक्स एक्सिस, तो ये ओरिजिन से आ रहा होगा 0 0 0 से। इसकी इक्वेशन पता होने बहुत जरूरी है, इसकी इक्वेशन पता होनी बहुत जरूरी है। तो इसमें देखो रटना नहीं है, मैं समझाऊं अच्छे से। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट 100 ऐसे भी होगा, बिल्कुल राइट सर, एकदम सही कह रहे हो। और इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, एक तो पासिंग पॉइंट होना चाहिए, एक तो पासिंग पॉइंट होना चाहिए, और एक उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होने चाहिए। तो पासिंग पॉइंट में 0 0 0 लेता हूं, तो r वेक्टर इज इक्वल टू 0i + 0j + 0k, बिल्कुल सर सही कहा आपने। प्लस में लैम्ब्डा, प्लस में लैम्ब्डा, लैम्ब्डा तो दे रखा है, और कुछ मान लेते म्यू, मान लेते हैं क्या मान लेते हैं म्यू मान लेते हैं। अब डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो डायरेक्शन रेशियो का क्या तरीका था, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो भैया 1 - 0 1 होगा, बाकी सारा मामला आ गया 0 आना, 0 - 0 0 0 - 0 0। तो मतलब पहला यहां पे आपके पास आया है कुछ 1 आया है, 1 - 0 1 1 i कैप, है ना, 1 i कैप, मतलब आप i कैप भी कह सकते हो। तो यहां तक बात समझ में आ गई, एक बार देख लेता हूं कुछ कट तो नहीं रहा, नहीं सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। कई बार बेटा वीडियो यहां से कट जाती, देखो ध्यान देना। drs आपके पास क्या क्या है, 1 0 0, कैसे 1 - 0 1 0 - 0 0 0 - 0, तो 1 i कैप 0 j कैप 0 k कैप आप लिखते, है ना, लिखते पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो। तो वहां पे बेटा आप देख पा रहे होंगे कि 0 0 आते हुए लिखने का कोई फायदा नहीं है, खाली क्या लिख दो म्यू इंटू में आई कैप, 0 j कैप 0 k कैप लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी सर। आपके पास एक्स एक्सिस की इक्वेशन भी आ गई और आपके पास लाइन की इक्वेशन भी, अब एंगल निकालना स्टार्ट कर दो। तो मैं एक्स एक्सिस की इक्वेशन को थोड़ा सा ऊपर लिखो या एंगल ऊपर निकाल देता हूं, चलो एंगल ऊपर निकाल देता हूं, यहां निकाल देता हूं एंगल, यहां cos theta इज इक्वल टू एंगल, यहां निकाल देता हूं। एंगल का फॉर्मूला हमें पता ही है कि डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई का सम तो ऊपर, नीचे डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सम के रूट, ये हमें अच्छे से पता है। तो ऊपर तो भैया डायरेक्शन रेशियोज की मल्टीप्लाई का सम, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 - 1 0 है, उसके डायरेक्शन रेशियोज आपको दिख रहे निकाले हुए थे अभी अभी 1 0 0, तो मल्टीप्लाई का सम करो ऊपर, तो i कैप वाले के साथ 1 आएगी, 1 के साथ 1, j कैप वाले के साथ तो भैया -1 के, उधर j कैप है ही नहीं, क्यों नहीं है मैं लिख लेता हूं, एक बार पूरा लिख देता हूं, चलो +0 j कैप + 0 k कैप, अब आपको समझ में और भी आ जाएगा। drs मैंने अच्छे से लिख दिया, अब j कैप वाले के साथ करोगे तो 0 आएगा, है ना, चाहे वो माइनस में 0 लिखो चाहे प्लस में 0 लिखो, इस माइनस की वजह से माइनस में 0। प्लस में k कैप वाले के साथ, अब देखो वहां भी k कैप के साथ 0 है, यहां k कैप है ही नहीं, इसका मतलब k कैप के साथ 0 था इसलिए नहीं है, तो 0 का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड करोगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, मैं मिटा के लिख रहा हूं 1 आ गया। अपोन में इसके डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सम का रूट, तो 1 का स्क्वायर 1 - -1 का स्क्वायर 1 + 1 का रूट 2 आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक चीज है 3D के, उसके डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सम का रूट, तो अंडर रूट वहां से 1 का स्क्वायर 1 + 0 का स्क्वायर 0 + 0 का स्क्वायर 0, मतलब 1 का रूट 1, मैं मिटा भी सकता हूं 1, यहां लिखो चाहे मत लिखो। यहां से cos थीटा आ गया 1/√2, मतलब थीटा आपको स्पष्ट पता चल गया कि π/4, थीटा आपको पता चल गया बेटा π/4 डायरेक्ट पता चल गया, 3D के बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो थीटा आपका π/4 आ गया, और उसने बोला भी यही है कि द अक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड द एक्स एक्सिस इज π/4, तो π/4 आ गया, तो इसका मतलब बेटा a is true, बिल्कुल सर a is true है, एकदम राइट बात है सर। अब आते हैं रीजन पे आते हैं, r को देखते हैं ट्रू है या फॉल्स है। तो r मैं आपको बता दूं सीधा आपको दिख रहा है ट्रू है, कैसे है ट्रू पढ़िए, द अक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइंस r वेक्टर एंड r वेक्टर, ये दो लाइंस की इक्वेशन दी है, एक ये है, इनके बीच अक्यूट एंगल पूछा है, तो मैं यही तो बात कर रहा था अभी, cos थीटा इज इक्वल टू ऊपर तो दोनों के drs की मल्टीप्लाई का सम,
मैग्नीट्यूड लगाना जरूरी है, नहीं तो ऑब्ट्यूस भी आ सकता है, मैग्नीट्यूड लगाना जरूरी है। अपोन में नीचे इनके डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सम का रूट, इसके डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम का रूट है, इसके डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम का रूट है। मैं यही तो बात कर रहा था बेटा, ये तो सीधा दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट बेटा ये दिख रहा है। यहां पे लिख सकते हो आर इज ट्रू, आर इज ट्रू भैया, ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है। अब देखना आप ऑप्शन अपने आप बता दोगे, देखते ही ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है। तो देखो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये तो हो नहीं सकता सी। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी नहीं हो सकता। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये कह रहा है कि ए एंड आर आर ट्रू है, और फिर क्या कह रहा है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बात गलत है भैया। आर बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, क्योंकि मैंने वही फॉर्मूला तो ऊपर यूज किया, ध्यान से सुनो, यही फॉर्मूला बेटा मैंने ऊपर यूज किया, यही फॉर्मूला ऊपर यूज किया है मैंने। यहां पे पढ़ो, देखो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का है। तो बेटा ये ऑप्शन आपका सही होता है, ऑप्शन ए करेक्ट, क्योंकि मैंने यही तो फॉर्मूला ऊपर यूज किया, आपको पता हो। तो यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा बेटा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यस।